अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अक्सर अपनी बातों और अपने दावों की वजह से चर्चा में रहते हैं। अब ट्रंप ने फिर से ऐसा दावा कर दिया है जिसने उन्हें सुर्खियों में ला दिया है। तो हुआ ये है कि अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में फिर से उतरे ट्रंप ने कहा है कि अगर वो चुनाव नहीं जीते तो 2-3 साल के भीतर इसराइल का सफाया हो जाएगा, उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। If we don't win this election, Israel, in my opinion, within a period of 2 to 3 years, will cease to exist. It's going to be wiped out. ट्रंप का ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब इसराइल गजा में हमास के खिलाफ युद्ध लड़ रहा है, लेबनान के संगठन हिजबुल्ला से उसकी लड़ाई और तेज हो गई है और ईरान के साथ भी इसराइल की तनातनी काफी बढ़ गई है। रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार ट्रंप ने कहा, अगर हम ये चुनाव नहीं जीतते तो मेरी राय में 2-3 साल के भीतर इसराइल का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, ये मिट जाएगा। एक सर्वे का हवाला देते हुए ट्रंप ने कहा, इस बात का कोई मतलब नहीं है कि मुझे 40% यहूदी वोट मिले, मैं ही आपकी रक्षा कर रहा हूँ। इसके आगे ट्रंप ने यहूदी समुदाय के वोटरों से कहा, अगर मैं जीतता हूँ तो इसराइल सुरक्षित रहेगा और हम यहूदी विरोधी भावना के जहर को पूरे अमेरिका और पूरी दुनिया में फैलने से रोकेंगे, लेकिन अगर मैं नहीं जीता तो मेरा मानना है कि इसराइल का सफाया हो जाएगा और आप ऐसा होने नहीं दे सकते, मुझे नहीं लगता कि आप ऐसा होने देंगे। ट्रंप ने इस दौरान राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार कमला हैरिस को भी निशाने पर लिया। उन्होंने कहा, हमारे पूरे देश में आपने यहूदी अमेरिकियों पर यहूदी विरोधियों और हमास समर्थकों के उत्पीड़न और हमलों को देखा है, मैं भरोसा नहीं कर सकता कि हमने पिछले 1 साल में क्या क्या देखा है। कमला हैरिस ने बिल्कुल कुछ नहीं किया, उन्होंने आपकी रक्षा करने या आपके बच्चों की रक्षा करने के लिए एक भी उंगली नहीं उठाई है।